एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए। हालांकि इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ध्वनि मत से ओम बिरला की जीत की घोषणा की गई। ओम बिरला की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी, साथ ही विपक्ष से राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने उनको शुभकामनाएं दी। जीत के बाद ओम बिरला को पीएम मोदी स्पीकर की चेयर तक ले गए और इस दौरान राहुल गांधी भी साथ दिखे। सदन में राहुल गांधी पीएम मोदी से हाथ मिलाते भी नजर आए। तो ध्वनिमत से स्पीकर बने ओम बिरला और उसके बाद उन्हें चेयर तक ले गए प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी भी उनके साथ दिखे। राहुल गांधी आप देख सकते हैं किस तरह आए ओम बिरला के पास, उन्होंने ओम बिरला से हाथ मिलाया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने हाथ मिलाया और फिर दोनों ही ओम बिरला को स्पीकर की चेयर तक लेकर गए। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है। हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा आपके इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपराओं को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। दूसरी बार स्पीकर बनने पर सीएम योगी ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा, जनप्रिय मृदुभाषी राजनेता ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हृदय तल से बधाई। पूर्ण विश्वास है आपके यशस्वी नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद की गरिमा नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। आपके स्वर्णिम कार्यकाल हेतु अनंत कामनाएं। तो दूसरी बार स्पीकर बनने की बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और एक्स पर उन्होंने ये ट्वीट करके बधाई दी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी ओम बिरला को स्पीकर बनने की बधाई दी। उन्होंने कहा, विपक्ष जनता की आवाज है, उम्मीद है कि उन्हें दबाया नहीं जाएगा। वी वुड लाइक द हाउस टू फंक्शन ऑफन एंड वेल। स्पीकर सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोऑपरेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन
is allowed to be represented in this house. That the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution. Nispakshta is mahan pad ki mahan zimmedari hai. आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं. हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए. आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे. अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले इसका उल्टा ना हो. हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं. अनुप्रिया पटेल ने भी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बनने पर बधाई दी. अंतिम दिन याद आ रहा है अध्यक्ष महोदय, जब हम सभी ने बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी, लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना. और आप लौट कर आए हैं. हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं. आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं. आप पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ति का भी प्रतीक है. और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है. सीधे अब आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्यवाही में. और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उनकी सराहना करते हैं. 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की कूर सच्चाइयों का सामना करते हुए उठा था. 1975 में आज के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी. इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है. अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए. इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी. उनके परिवार उनको असीमित कष्ट उठाना पड़ा था. इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी. इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं. ओम शांति. सभा की कार्रवाई बुराक दिनांक 27 जून 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण की समाप्ति के आधे घंटे के पश्चात के लिए स्थगित की जाती है.
तो इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा के अंदर। इमरजेंसी के लिए सदन में 2 मिनट का मौन जो है वो रखा जा रहा है। इमरजेंसी के लिए सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उसकी।